वेलकम टू मेडिकल टूवर फ्रेंड्स, मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो नॉर्थन कॉलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली का है, जो 2019 में स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। और अभी हाल में ही 2020 में भी कुछ भर्ती होना है उसके लिए, और अन्य महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जिसमें दो सेक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सेक्शन ए जिसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड है, और सब्जेक्ट बी जो सेक्शन बी है उसमें जनरल नॉलेज का दिया हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज़ केयरिंग एन एनेमिक पेशेंट्स, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, अर्थात एक्यूट ब्लड लॉट एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जो देखभाल कर रही है उसे क्या देख के समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए पेशेंट्स व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न इज यूज टू इंड्यूस लेबर, जब प्रसव के दौरान जब एक गर्भवती महिला को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है तो उस समय नर्स को क्या किस लक्षण पर ध्यान देना चाहिए, तो वह गर्भाशय टेटनी के लक्षण पर ध्यान देना चाहिए, आंसर नंबर बी। और गर्भाशय टेटनी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो गर्भाशय संकुचन होता है और इससे उत्पन्न होने वाले अन्य और जो संकेत होते हैं, जैसे भ्रूण संकट हो सकता है, तो इस तरीके से कई संकट आते हैं, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट, तो प्रेगनेंसी के दौरान किस महीने तक डायबिटीज मेलाइटिस का स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 24 to 28 weeks। ए नर्स वर्किंग इन ए ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन विथ नीटल स्टिक इंजरी इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 1:300, इतना खतरा होता है, लगभग 1:300 के बराबर। ए नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट्स विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज टू गिव द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज, अर्थात जो स्वाइन फ्लू के रोगी का देखभाल कर रही नर्स उसे स्वाइन फ्लू के लिए पसंद की दवा देनी चाहिए और यह क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एन इन्फेंट्स इज बॉर्न प्रिसिपिटोसली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, अर्थात लेबर रूम पहुंचने से पहले अगर किसी शिशु का जन्म हो जाता है तो उस समय नर्स को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है सबसे पहले नवजात शिशु के लिए श्वसन क्रिया की स्थापना करना चाहिए, इस्टेब्लिश्ड एन एयर वे फॉर द न्यू बॉर्न, उससे श्वसन क्रिया के लिए उसका जो श्वसन तंत्र होते हैं, श्वसन नलिका होते हैं, उसको साफ करना चाहिए और उनको यह स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर, अबगार स्कोर का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन करते समय एक नर्स की प्राथमिक महत्वपूर्ण अवलोकन क्या होती है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होती है फ्रेंड्स वह होती है फर्स्ट है हृदय गति, हृदय का धड़कन सबसे फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पेशेंट्स ऑन एनालेप्रिल एंड डायुरेटिक्स थेरेपी फॉर हार्ट फेल्योर नर्स शुड नोटिसफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन सी फाइंड्स, अर्थात जो हार्ट फेल्योर के उपरांत जो रोगी एनालेप्रिस और मूत्रवर्धक चिकित्सा पर है, नर्स को फिजिशियन को सूचित करना चाहिए कि थेरेपी प्रभावी नहीं है और उसे लक्षण नहीं दिखाई दे, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर है सी, एडिमा लेक्स, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट न्यूनेट्स में वी रेंज बिटवीन, जो स्वस्थ नवजात शिशु होता है उसका हार्ट बीट कितना होता है पर मिनट्स, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 110 से लेके 160 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, नर्स इज अबाउट इन इंसर्ट राइल्स
tube for a patient. Before this act, she must aware of the distance between incisor teeth and gastroesophageal junctions with which of the following is correct distance. तो इसका जो correct distance है friends, इसका right answer है answer number B 40 centimeters. Nurse एक गर्भवती महिला के मूत्राशय को catheterized करने वाली है, उससे पता होना चाहिए कि महिला मूत्र मार्ग के बारे में निम्नलिखित सभी तथ्य सही हैं सिवाय के. तो निम्नलिखित सभी के सभी सही हैं सिवाय एक के, तो कौन सा गलत है. तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि यह योनि छिद्र के पीछे है, तो यह गलत है, बाकी सब सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लिवर. निम्न में से कौन सा कैंसर आमतौर पर यकृत के मेटास्टेसाइज नहीं करता है. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी है प्रोस्टेट. ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, सभी सही हैं सिवाय एक के, विटामिन ए के बारे में. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, यह हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है. तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आंसर नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चंस, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज. तो इसका आंसर नंबर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकेंस इज म्यूकस. ऑक्सीजन एक सूखी गैस होती है और जो बलगम होती है उसे वह गाढ़ा करती है, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी देने वाली नर्स को पता होना चाहिए कि इसे नम किया जाना है. तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसे नम क्यों किया जाता है, तो क्योंकि यह सूखी होती है इसलिए यह बलगम को गाढ़ा करती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन को गीली की जाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रायूट्रिन डिवाइस. जो अंतःगर्भाशय डिवाइस के उपयोग से जुड़ा सबसे आम दुष्प्रभाव क्या होता है. तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, यह एक अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह अर्थात अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकता है या होता है, यह एक कॉमन इसका कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन होता है. टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स. तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, जांघ के ऊपरी हिस्से पर. तो मूत्र कैथेटर को खींचने से बचने के लिए नर्स को कैथेटर रोगी को लगाना चाहिए, तो जांघ के ऊपरी हिस्से पर लगाना चाहिए जिससे वह कैथेटर खींचने से बचा जा रहा है. नेक्स्ट है, 16 ईयर ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट्स एडमिटेड with several pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information. गर्भावस्था से प्रेरित गंभीर उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो 16 वर्षीय प्री गर्भावस्था रोगी को अंतःशिरा मैग्नेशियम सल्फेट दिया जाता है, नर्स को निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, श्वसन दर हर घंटे उसका देखना चाहिए कि कैसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सक्रिय पुरुष रोगी जिसका वजन 180 पाउंड अर्थात 81.65 किलोग्राम है को आहार निर्देश से गुजरना पड़ता है. रोगी रिपोर्ट करता है कि उसे वर्तमान आहार में 60 ग्राम वसा, 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, 5 ग्राम सोडियम प्रतिदिन है. तो रोगी को नर्स को क्या सलाह देती है. तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है आंसर नंबर डी,
अपने सोडियम में कमी, तो सोडियम जो 5 ग्राम है उसको और कम करना है सोडियम 5 ग्राम से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट्स। जो सबसे आम जटिलता क्या होती है एक नर्स के लिए जो प्री टर्म शिशु की निगरानी करती है या निगरानी करनी चाहिए, तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी है, श्वसन संकट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टैकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर्स। जो मौखिक तापमान रिकॉर्ड करने के लिए ठंडे दूध लेने के बाद नर्स को कब तक इंतजार करना चाहिए, तो जो ठंडे मौखिक तापमान रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, 10 से 20 मिनट तक करना चाहिए। नेक्स्ट है, मैटरनल डेथ रेट इज द एक्सप्रेस्ड दैट पर, तो जो मातृ मृत्यु दर व्यक्त की जाती है वह कितने जीवित जन पर, तो 1 लाख जीवित जन पर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर आ जाएगा 21 का। फ्रेंड्स 21 का सी और डी, चूंकि देखिए सी में सी आएगा, सी और डी में दोनों में 1-1 लाख दिया हुआ है, बट जो इसका राइट आंसर है 1 लाख जीवित जन पे होते हैं ना कि गर्भावस्था पे, इसलिए इसका राइट आंसर है 21 का सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेज ए नर्स हैज़ टू कंसिडर एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशंस। निम्न में से किस सूचकांक में नर्स को अच्छे पोषक के संकेत के रूप में विचार करना होता है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, कुल लिम्फोसाइट्स 1900 पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल आर फॉलोइंग फैक्ट्स आर द रिकॉर्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट्स। एक नर्स पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ एक बूढ़ी महिला की देखभाल कर रही है और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में निम्न सभी तथ्य सही हैं सिवाय, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, टोफी, टोफी के अलावा सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल मदर बेबी कपलेट्स इन प्लानिंग द केयर फॉर द ईच ऑफ द कपलेट्स विच मदर वुड द नर्स एक्सेप्ट टू हैव द मोस्ट सेवर आफ्टर बर्थ पैंस। नर्स कई माँ बच्चे के जोड़े की देखभाल कर रही है, प्रत्येक जोड़े के लिए देखभाल की योजना बनाने में जो जन्म के दर्द के बाद नर्स कौन सी माँ के सबसे गंभीर होने की उम्मीद करेगी, तो G4P1 रोगी जो उसके शिशु को स्तनपान करा रही है, दूसरा है G3P3 रोगी जो अपने शिशु को स्तनपान करा रही है, नेक्स्ट है G2P2 सिजेरियन रोगी जो उसके शिशु को बोतल से दूध पिला रही है, एंड G3P3 रोगी जो अपने शिशु की बोतल से दूध पिलाती है। तो फ्रेंड्स G4 ग्रेविडा होती है और P4 पेराइटी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 दिया हुआ है इस आंसर में से, इसका जो सबसे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वह है बी नंबर, जो G3P3 होता है रोगी अपने शिशु को स्तनपान करा रही है उससे, क्योंकि उसके जो तीन है पेराइटी तीन है वो तीन, तो ये ज़्यादा G3 स्तनपान कराती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। निम्न में से कौन सा एक बोनी पेल्विस का प्रकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, ओबस्टेट्रॉइड्स, ओबस्टेट्रॉइड यह एक बोनी पेल्विस का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स आर एलेक्सेप्ट्स। स्तनपान के लाभों में सभी शामिल हैं सिवाय,
तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी, यह समय से पहले जन्मे लोगों के लिए पर्याप्त आयरन प्रदान करता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 ईयर्स में रिप्लेस किया जाता है, तो वह होता है कॉपर टी 380A, आंसर नंबर सी, 27 का सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन इज, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है नाभि शिरा से संचलन हेतु भ्रूण में जो प्रवेश करता है वह किसके द्वारा होता है, एंट्री करता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, डक्टस वेनोसस वेंसस से यह प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पेशेंट्स जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी इज कॉज्ड बाय, जो लिम्फोडेनोपैथी होता है वह किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज्ड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, निम्न में से कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर 31 का सी, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाई ए पेशेंट्स विथ बैक चे शुड अलर्ट द नर्स, पीठ के दर्द वाले रोगी द्वारा निम्न में से कौन सा कथन नर्स को सचेत करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, पेरिनेल एनेस्थीजिया की अवस्था में। नेक्स्ट है, इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट इन इज़ अराउंड, भारत में इस समय जो शिशु मृत्यु दर है वह कितना है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, 33 का सी, 39 पर 1000 लाइव बर्थ में होता है। नेक्स्ट है, ड्रग विच इज कॉन्ट्रा डिकेटेड्स इन हेड इंजरी, दवा जो सिर की चोट में नहीं देना चाहिए, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट्स डायग्नोज्ड विथ रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज द नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर 35 का डी, मस्तिष्क, अर्थात जो नर्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण के निदान वाले एक नवजात की माँ को समझाती है कि आदान प्रदान आधान आवश्यक है किस अंग की क्षति को रोकने के लिए होती है, तो वह मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट वन है, पार्ट टू भी लेके जल्द से आऊँगा, तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको जाके आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।